my first steps. All babies look alike. Look alike का मतलब होता है कि जब babies जो होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं. Can they be exchanged when the nurse give them a bath? बात यानी नहलाना. तो क्या ये जो नर्स जो होती है तो उनको जब नहलाने ले जाती है तो क्या बच्चे जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं? हम वो आगे इस स्टोरी में देखेंगे. At the end of this lesson, you will be able to read and understand the autobiography. Autobiography यानी जो जिस पे लिखा गया हो उसकी पूरी स्टोरी. Use compound words. Use the simple past tense and ask and answer the simple questions in a speech. Now we will see section first. I may never have become cricketer, and this book would certainly not have been written if an eagle-eyed relation. जो ये बता रहे हैं कि अगर मैं शायद क्रिकेटर बन ही नहीं पाता, शायद ये बुक ना लिखी होती एकदम तिरछी नजर से, तो शायद मैं क्रिकेटर नहीं बन पाता. मिस्टर नारायण मसूरीकर हैड नॉट कम इन टू माई लाइफ द डे आई वॉज बॉर्न, July 10, 1949. मिस्टर नारायण मसूरकर हैड नॉट कम इन टू माई लाइफ द डे वॉज आई बॉर्न July 10, 1949. अगर ये मिस्टर नारायण जो है वो मेरी लाइफ में ना आए होते तो ये उनका जन्म कब हुआ था? July 10, 1949. It seems that Nan Kaka, as I called him, who had come to see me in hospital on my first day in this world, noticed a little hole near the top of my left ear lobe. तो वो बताते हैं कि वो क्या है जो मिस्टर नारायण मसूरकर है उनको नान काका बुलाते थे वो, और वो बताते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तब वो मुझे मिलने आए थे वेरी फर्स्ट डे, और उन्होंने नोटिस किया कि मुझे लेफ्ट जो कान है उसमें मुझे एक होल है. द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग ऑन द क्रीप नेक्स्ट टू माय मदर. क्रीप का मतलब है पालना. तो वो आए दूसरे दिन और वो जो बेबी था उसको अपने गोदी में लिया. टू दिस अटम हॉनर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयर लोब. तो वो नोटिस करते हैं कि वो थोड़ा अटर हॉरर यानी वो थोड़ा ज़्यादा डर जाते हैं, और वो देखते हैं कि जो होल था मैं उन्होंने जो फर्स्ट डे देखा था वो है नहीं. फ्रांटिक सर्च ऑफ ऑल द क्रेब्स इन द हॉस्पिटल फॉलोड एंड आई वॉज इवेंचुअली लोकेटेड स्लीपिंग ब्लिसफुली बिसाइड. तो वो क्या करते हैं, हर एक पूरे हॉस्पिटल में जितने भी झूले हैं उधर जाते हैं, वो देखते हैं, और इवेंचुअली अचानक से ही मैं उनको दिखता हूँ और ब्लिसफुली यानी बहुत आराम से मैं सो रहा था. फिशर वुमन है उसके बाजू में. टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कॉमोशंस आई हैड कॉज्ड द मिक्स्ड अप इट अपीयर्स फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड गिवन बाथ. तो वो क्या बताते हैं कि मैं जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं फिशर वुमन जो है उसके पार्ले में सो रहा था बहुत ही आराम से और बहुत शांति से, और कॉमोशन मतलब यानी हलचल, कोई भी हलचल नहीं थी या कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी. और ये सब हुआ इसी वजह से जब नर्स जो है वो बेबीज को नहलाने के लिए ले गई थी तभी यही सब हुआ. Providence had helped me to retain my true identity and in the process chartered the course of my life. Providence का मतलब है कि क्या बोलते हैं method. Providence मतलब method. तो ये जो method जो थी उसी वजह से क्या है कि मैं अच्छी वो जो मेरे मिस्टर नाना काका है वो मुझे ढूंढ पाए, और यही identity थी. I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out and given me my guard by giving me that small hole on my left earlobe, and if Nana Kaka had not noticed this abnormality.
एबनॉर्मल ईटिंग मतलब जो है कि ये जैसे कि इनको होल था उसको एबनॉर्मली बोलते, और जो भी बच्चे को कुछ भी ना हो, कोई मार्क ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसको नॉर्मल नॉर्मल बच्चा बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि ये तो कुदरत का करिश्मा है कि मुझे ये मार्क मिला, अगर ये मुझे मार्क मिला ही ना होता तो मेरे जो नाना काका है वो मुझे कैसे ढूंढ पाते। परहैप्स आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी एन ऑब्स्क्योर फिशरमैन टॉयलिंग समवेयर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। वो बताते हैं कि अगर वो मुझे ढूंढ ही ना पाते तो शायद मैं जो फिशर वुमन है उनके, फिशरमैन जो है उनके घर चला गया होता और मेरी दुनिया ही कुछ अलग होती। एंड वॉट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस। तो वो बताते हैं कि क्या होता जिस जो बच्चे ने मेरी जगह ली थी उसके उस बच्चे का क्या होता। आई डू नॉट नो इफ ही इंटरेस्टेड इन माई क्रिकेट और वेदर ही विल इवन रीड दिस बुक। तो मुझे नहीं पता कि क्या उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट होता, और होता तो भी क्या उसने ये बुक पढ़ी होगी। आई कैन ओनली होप दैट इफ ही डज ही विल स्टार्ट लाइकिंग अ लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर। तो वो बताते हैं कि अगर शायद मुझे मेरा होप है कि अगर उसने पढ़ भी लिया होगा तो होता तो वो शायद मुझे थोड़ा बहुत पसंद करने लगा होता और इंटरेस्ट दिखा रहा होता। और ये स्टोरी जो है वो सुनील गावस्कर के ऊपर है, और सुनील गावस्कर बता रहे हैं। नाउ वी विल सी सेक्शन टू। हाउ डिड सुनील बीन प्लेड प्लेइंग क्रिकेट हु हेल्प टू डेवलप हिज टैलेंट एज अ क्रिकेटर लेट्स रीड ऑन। तो बोलते हैं कि अगर चलो देखते हैं कि वो सुनील गावस्कर है वो कैसे क्रिकेटर बने और किन्होंने उनके टैलेंट को जांचा और परखा और उनको क्रिकेटर बनाया। माय मोस्ट विविड रिकलेक्शन ऑफ माय चाइल्डहुड क्रिकेट प्लेइंग डेज इन दिस टाइम इन द टाइम आई ऑलमोस्ट ब्रोक माय मदर नोज। विविड कलेक्शंस मतलब कि बहुत ही खतरनाक यादें, बहुत ही जो याद रह जाती है हमें वो। तो वो बताते हैं कि मुझे अचानक से मेरी बचपन की एक बहुत ही याद भयंकर याद आई कि जब हम लोग क्रिकेट में जब मम्मी के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने उनकी नाक तोड़ दी थी। शी यूज टू बॉल मी इन द स्मॉल गैलरी ऑफ अवर हाउस वेयर वी प्लेड अवर डेली मैच विथ अ टेनिस बॉल। तो वो बताते हैं कि हम लोग जो हमारी छोटी जो गैलरी थी वहाँ खेला करते थे क्रिकेट, और हमारा डेली मैच होता था मेरे और मम्मी के बीच में, और वो भी टेनिस के बॉल से खेलते थे। सिंस द एरिया वॉज स्मॉल शी वुड नीड टू बॉल रेदर टू लॉब द बॉल टू मी। तो वो बताते हैं कि वो ऊपर से नहीं डालती थी, वो नीचे से डालती थी क्योंकि एरिया जो है हमारा छोटा सा था। आई हिट वन स्ट्रेट बैक एंड गॉट हर बैंग ऑन द नोज विच स्टार्टेड ब्लीडिंग। तो क्या है वो बताते हैं कि मैंने एक स्ट्रेट बैक मैंने मारा और वो सीधा जाके उनकी मेरी मम्मी के नोज पे लगा, और वो क्या है मैंने थोड़ा जोर से मारा तो मम्मी का जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो गया। ऑल्दो इट वॉज अ टेनिस बॉल द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस वर वेरी शॉर्ट विच अकाउंट्स फॉर द फोर्स वी विच द बॉल हिट हर आई वॉज फ्राइट देन। तो बताते हैं कि कैसे उन्होंने मारा और कैसे वो उनको बॉल लगा। तो क्या है वो डर गए थे और के इतना जोर से मम्मी को लगा है तो वो थोड़ा सा डर गए थे। इट वॉज फ्राइटेंड बट शी श्रग्ड इट ऑफ वॉश्ड हर फेस एंड एज द ब्लीडिंग स्टॉप्ड वी कंटिन्यूड द गेम। तो वो क्या है थोड़ा डर गए थे कि अभी मम्मी क्या बोलेगी। तो क्या है वो थोड़ा नाक श्रग का मतलब है थोड़ा हिलाना, एडजस्ट करना। तो वो थोड़ा नाक ऐसे कैसे करके हिलाती है, वॉश करती है, और ब्लीडिंग जो है उनकी रुक जाती है और वो वापस से कंटिन्यू खेलने लगते हैं अपना गेम। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट वॉज द ओनली फॉरवर्ड डिफेंस फॉर मी। पूरा दिन जो है मैंने सिर्फ बॉल को रोका ही है, ना मैंने हिट किया ना कुछ भी। आई रिस्ट्रेन माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैक शॉट। मैंने खुद से ही खुद को मैंने रोका
कि नहीं मुझे बहुत जोर से नहीं मारना है, अटैकिंग नहीं करना है, सिर्फ मुझे रोकना है। क्रिकेट टू यूज अ क्लिंच इन माय ब्लड। क्लिंच क्लिंच मतलब क्या है कि खून, खानदानी, खानदानी जो होता है पेशा, तो वो बताते हैं कि ये जो क्रिकेट है वो तो मेरा खानदानी है, खून खून में बसा है। माय फादर वाज अ गुड क्लब क्रिकेटर इन हिज डेज एंड मी स्टूडेंट ऑफ द गेम। वो बताते हैं कि मेरे जो पापा है वो बहुत अच्छे गुड क्रिकेटर थे और मी स्टूडेंट्स का मतलब है कि अच्छा स्टूडेंट्स जो बहुत ही जाना पहचाना होता है। इवन नाउ वी हैव इंटरेस्टिंग डिस्कशंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम एंड आई हैव फाउंड हिज एडवाइस इनवैल्यूएबल इन द डेवलपमेंट ऑफ माय करियर। तो अभी भी क्या है, हम लोग जो है जो ये डिस्कस की जो गेम है उस पर डिस्कस भी करते हैं, इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स जो अलग अलग तरह की गेम होती है उन पर हम लोग चर्चा भी करते हैं और मुझे एडवाइस भी मिलती है कभी कभी कि मुझे कैसे करियर बनाना चाहिए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आई हैव मेड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ क्रिकेटिंग मदर हु हेल्प मी टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स इन द गेम एंड आई हैव कम टू लव। मेरी मम्मी जो है उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहन किया कि तुम्हें क्रिकेट, मेरी मम्मी जो है क्रिकेट खिलाती थी मुझे और मुझे हेल्प भी करती थी और उन्होंने ही मुझे मदद की कैसे खेला जाता है और कैसे करना चाहिए और मैं यही सब करते करते मुझे प्यार हो गया क्रिकेट से। माई अंकल माधव मंत्री हु प्लेड फॉर इंडियन इन 4 ऑफिशियल टेस्ट दो नॉट वेरी सक्सेसफुल वॉज अ फोर्स टू रिकॉन विथ इन फर्स्ट क्लास गेम्स। तो क्या है, मेरे जो अंकल है माधव मंत्री, उन्होंने क्या है इंडिया के लिए 4 ऑफिशियल टेस्ट खेले, इतने सक्सेसफुल नहीं थे पर वो जो फर्स्ट क्लास गेम्स थी उसमें वो उनको वापस से सब याद आ गया कि कैसे खेला था और उनको फर्स्ट क्लास गेम में मिले थे। वेन एवर आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस माई फेवरेट पास टाइम यूज टू बी टेक आउट हिज फुल ओवर्स एंड केयर्स विद देम विद सेंस ऑफ लॉन्गिंग। पुल ओवर्स का मतलब है जो उनकी किट रहती थी, जो उनके कपड़े वगैरह जो सारे थे वो उनको जो मिला करते थे उसको पुल ओवर्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जब भी मैं मेरे अंकल के घर जाता था तो क्या ये पुल ओवर्स के साथ में टाइम पास में सब देखता था, मैं अपना टाइम बिताता था। I was so attracted by the Indian Test pullovers that once I even dared to ask him if I could take one since he had so many. तो एक बार क्या हुआ, वो बताते हैं कि मैं बहुत ही ये सब चीज़ों से attract हो गया या मोहित हो गया और मैं उनको बोला अंकल को कि क्या मैं ये आपके पास तो बहुत सारे हैं तो मैं क्या इनमें से कोई एक ले सकता हूँ। My uncle told me that one has to sweat and earn the Indian colors. वो बताते हैं कि एक को क्या है तुम्हें जो है ये पसीना बहाना पड़ेगा ये सब चीज लेने के लिए क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है। आपको इंडियन कलर्स चाहिए तो आपको ये बहुत मेहनत लगती है और आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। That is a lesson that I never forgotten. यही सीख थी जो मैं कभी भूल नहीं पाया। Looking back, I am glad that my uncle did not succumb to my childish fancy and instead taught me that there was no shortcut to the top. मैं एक मुझे गर्व है, मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश था कि मेरे अंकल ने मुझे ये सबक सिखाया कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो शॉर्टकट में नहीं, आपको मेहनत पसीना बहाना पड़ता है उस चीज़ के लिए तभी आपको वो जो चीज़ मिलती है उसका कीमत पता चलता है। आई वॉज ऑल्सो द फैसिनेटेड बाई द मैनी सुवेरियंस ही हैड एंड द लार्ज नंबर ऑफ द ट्रॉफीज ही हैड वॉन। तो मुझे क्या है, वो जो मैं ट्रॉफीज थी वो उनको देखता रहता, मैं उनसे बहुत ही मोहित था, मैं उनको देखता रहता था और वो कैसे हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगता। What I liked most was the stump wearing the autographs of the 1952 Indian
and England teams and I love to lingerize over the autographs of every players. वो बताते हैं कि जो स्टंप था तो जब ये मैच हुआ था 1952 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तो वो स्टंप जो था ना उस पर सारे क्रिकेटर्स की ऑटोग्राफ्स थी तो वो मैं जाता था और मैं उसे हर बार देखता रहता था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. वो सबसे मुझे जो जिससे ज़्यादा प्यार था वो स्टंप था. राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉन्टेड टू बिकम अ बैट्समैन. आई हेटेड लूजिंग माई विकेट. मुझे क्या है पहले से ही मुझे ऐसा था कि मैं एक बैट्समैन बनूं और मुझे जो विकेट्स जो गिरती थी वो मुझे पसंद नहीं था कि मुझे विकेट मेरी विकेट हो. दिस बिकम सच ऑब्सेशंस विद मी दैट इफ द रेस्ट ऑफ द बॉयज एवर गॉट मी आउट आई वुड फाइट एंड इवेंचुअली वॉक होम विद द बैट एंड द बॉल. मुझे इतना सारा ऑब्सेशन हो गया था उससे वो हो गया था लगा कि तो जो दूसरे बॉयज थे तो क्या है कभी कभी जो मैं आउट भी हो जाता था तो मैं फाइट करने लगता था और मेरा जो बैट और जो बॉल है वो मैं लेके घर पे चला जाता था और मैं झगड़ा भी करता था उनसे. दिस वुड ब्रिंग द गेम टू एन एब्रप्ट एंड सिंस नोबडी एल्स हैड अ बॉल और अ बैट. पर ये जो गेम थी वो तो लानी ही थी क्योंकि किसी के पास मेरे अलावा किसी के पास भी बॉल और बैट नहीं था. The boys cursed and called me names, but the tension did not last long, and we generally got on very well. जो boys थे वो मुझे चिढ़ाते थे, दूसरे दूसरे नाम से बुलाते थे, पर tension तो था ही और last long था कि generally got on तो सब ठीक हो गया. Almost these early comrades with whom I played were the Ambe brothers, the Mandekar's brothers, and several others. Who had made up our team. तो क्या है वो बताते थे कि मैं ये किनके साथ खेलता था तो एम्बेस ब्रदर्स से मांडेकर ब्रदर्स से और दूसरे और भी थे जो मैं इनके साथ टीम अप बना के खेला करता था. Whenever I batted, they would decide beforehand and that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not. तो बताते थे कि जब बैटिंग होती थी तो वो लोग ने डिसाइड किया कि एक रूल बनाएंगे पर्टिकुलर और जब सबका ओपिनियन लिया जाएगा तो जब वो बोलते आउट तो या मुझे वो मान के चलना पड़ता था. आई हैड टू गो बाय द मेजोरिटी वर्डिक्ट्स बट वी ऑफ्टन प्लेड मैचेस अगेंस्ट टीम्स मेड अप द बॉयज लिविंग इन द नेबरिंग बिल्डिंग एंड देयर वाज अ tremendous interest in the trophies as we call them. तो क्या है कि जो मेरी दूसरी जो बिल्डिंग थी नेबर्स में तो उनके बॉयज और हमारे जो बॉयज थे वो सब इकट्ठा होके मैच रखते थे और ट्रॉफीज भी रखते थे और ट्रॉफीज जीतने के लिए बहुत मेहनत करते थे हम लोग कि हाँ हमें ये ट्रॉफीज चाहिए ही चाहिए. These trophies were small white metal cups. ये जो trophies थी वो छोटी सी और white metal cup थी for which we all contributed a ball for a little rupees of 1.50 पैसा. तो contribute का मतलब है कि contribution के जैसे कि हम लोग को 10 रुपये का कुछ लेना हो तो क्या एक एक रुपी इकट्ठा कर दे एक एक से या फिर दो दो रुपी तो उस तरह से सबने कंट्रीब्यूट किया और व्हाइट मेटल कप्स जो है वो लिया और ये कितने का आता था 1.50 रुपये का वो आता था. नाउ वी विल सी ग्रामर पोर्शन. टेंसेस सिंपल पास्ट टेंस है वो देखेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. सुनील गावस्कर वांटेड टू बिकम अ ग्रेट बैट्समैन. सुनील गावस्कर है उनको क्या है ग्रेट बहुत ही अच्छा बैट्समैन बनना था. ही हेटेड लूजिंग हिज विकेट. वो अपना विकेट गवाते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था. प्लेइंग क्रिकेट वॉज एन ऑब्सेशन विद हिम. जो क्रिकेट खेलते थे उनको उससे ऑब्सेशन था क्रिकेट से. द डॉक्टर एग्जामिन्ड माय टीथ. डॉक्टर ने मेरे जो दांत है उसको जांचा. नोटिस दैट ऑल द इवेंट्स टू प्लेस इन द पास्ट. दिस इज ऑल द अबव एक्शंस were completed in the past or happened in the past. ये जो हमने सारे past जो देखे अभी sentences वो क्या है above actions थे.
वो क्या है, पास्ट में कंप्लीट हो गया हो या फिर कुछ पास्ट में कुछ घटना घटी हो उस पर ये सारे सेंटेंसेस थे. ऑल्सो नोट दैट नो हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर हैड एक्सेट्रा. कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थे जैसे कि वॉज वर और हैड इज यूज इन द अबव सेंटेंस. कोई भी अबव सेंटेंस में ये जो है हेल्पिंग के तरीके से नहीं हो. सच यूज ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड अ सिंपल पास्ट टेंस. क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स जो है यूज नहीं हुआ, कुछ हेल्प करने के लिए ये यूज नहीं हुए थे, तो उसी को ही बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस इज ऑल्सो फॉर्म बाय एडिंग ईडी और डी टू द वर्ब्स इन द बेयर फॉर्म. For example, work becomes worked, create becomes created, and want becomes wanted. Work का क्या होगा? Worked, ed लगाना है हमें, तो ed हो जाएगा. वो create का ed created, want का become wanted. Note irregular verb like go, come, see, find, etc. and be and have form their past tense in other ways. अगर irregular verbs जो होते हैं जैसे कि go होता है, come होता है, see होता है, find होता है, etc. and be and have, वो जो है क्या है, past tense को other way में form करते हैं. The past tense is also used when you wanted to say that a situation existed in the past and over a period, or that an activity took place regularly in the past. Past tense कब used होता है? जब हम कोई situation जो exist होती है past में, वो जब कुछ हो रहा हो तब past में कुछ हो रही है, और other than activity took place regularly in the past. रेगुलरली वो हमेशा जो बात होती रहती है तब ये पास्ट टेंस है वो यूज होता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. वी प्लेड अवर डेली मैच विद अ टेनिस बॉल. तो क्या है, हम जो हमारा मैच जो था वो हम लोग टेनिस बॉल से हमेशा खेला करते हैं. आई लव टू लिंगर ओवर द ऑटोग्राफ ऑफ एवरी प्लेयर इन एट माई अंकल्स हाउस. क्या है कि जो ऑटोग्राफ्स थी वो मुझे देखना पसंद रहता था और मैं उसे देखता रहता था. व्हेनेवर आई बैटेड दे वुड डिसाइड बिफोर हैड दैट दे वुड अपील एट अ पर्टिकुलर बॉल एंड आई हैड टू गो टू अ बाय अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट. वो बताते हैं कि सेंटेंस का देखो, देखो मींस द सुनील गावस्कर एंड हिज मदर यूज्ड टू प्ले अ क्रिकेट एवरी डे. Second sentence means that he liked to took at photography of the players whenever he wanted to his uncle's house. Third sentence kya hai? Means that the boy used to get Sunil Gavaskar out by appealing the umpire. ये सब क्या है कि वो दिखा रहा है. तो कौन सा आएगा, वो ये दिखाते हैं. Notice that in sentence third, would is used to denote the past tense. Would and used to are also used when you wanted to say that something happened regularly in the past. Would or used to कब used होता है, जब कोई भी चीज जो भूतकाल में बार बार होती हो, घटना घटती हो, तब ये would और used to का हम लोग use करते हैं. Look at more examples of use of would or used to denote past tense. When I was small, I used to play many games at school. ये क्या है, जब ये मैं छोटा था तब मैं स्कूल में क्या है, मैं बहुत सारे गेम्स खेला करता था. वो क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी वजह से I used to. My teacher would always tell me that I would become a great footballer player.
मैं शायद अगर मैं मेरे जब स्कूल में था तब मैं फुटबॉल खेलता था हर रोज, तो मेरी टीचर को लगता था कि मैं कभी भी अच्छा प्लेयर बन सकूंगा। तो वो हुआ, ये वुड यूज हुआ क्यों? क्योंकि ये बार बार ये जो एक्शन है वो रेगुलरली हैपेंड हो रही थी इस वजह से। ट्वाइस अ वीक आई यूज टू स्टे बैक एट स्कूल फॉर कोचिंग इन फुटबॉल। मैं क्या है, वीक में 2 बार जो है मैं स्कूल में रहता था फुटबॉल कोचिंग के लिए। तो क्या है ये ट्वाइस अ वीक, तो ये क्या है जो बार बार रिपीट हुआ वो उसके उस पर बेसिस है। तो तब ये वुड और यूज टू जो है रिपीट होता है कब, जब हैपन रेगुलरली इन द पास्ट। अब हम क्या है नेगेटिव देखेंगे, द नेगेटिव ऑफ बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन द पास्ट टेंस इज फॉर्म विद डिड नॉट प्लस वर्ब विदाउट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। तो नेगेटिव कब होता है, जब बोथ रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जो है जो पास्ट टेंस में यूज्ड हुए थे इन द फॉर्म ऑफ डिड नॉट प्लस वर्ब, कोई भी चेंजेस के बिना वर्ब कुछ तब वो ही यूज होता है। ही डिड नॉट सी द मूवी, उसने मूवी नहीं देखा। रवि डिड नॉट टेल अ लाई, रवि ने झूठ नहीं बोला। श्याम डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक, श्याम पिकनिक नहीं गया था। नोट दैट दिस इज द अबव सेंटेंस व्हेन द नेगेटिव इज डिनोटेड सी गो टेल डू नॉट टेक डी और ईडी और मैनी अदर्स चेंजेस। तो क्या देखो कि अबव के सेंटेंसेस में नेगेटिव में क्या सी और गो ही यूज हुआ है टेल, पर उन्होंने डी और ईडी को प्लेस नहीं किया है क्योंकि ये नेगेटिव था इस वजह से। हम देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इज फॉर्म बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ डीड एंड प्लेसिंग इट बिफोर द सब्जेक्ट। नोट दैट द मेन वर्ब्स डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म्स। इंटरोगेटिव कब फॉर्म होता है, जब जो डीड है का पोजिशन लेता है। तो क्योंकि कोई सब्जेक्ट यानी कुछ कोई सब्जेक्ट जो है जो उसके पहले बिफोर प्लेस हुआ हो, तो डिड ही सी द मूवी, तो क्या ही इसमें सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट के पहले जो यूज होता है वो इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो डिड ही सी द मूवी, क्या उन्होंने मूवी देखा। डिड रवि टेल अ लाई, रवि इसमें सब्जेक्ट है। डिड कब यूज होता है, जब कोई भी सब्जेक्ट हो उसके पहले जो है वो डिड यूज होता है, वो फॉर्म इन द चेंज ऑफ डिड मेन सब्जेक्ट हो। डिड श्याम गो फॉर द पिकनिक, तो श्याम इसमें सब्जेक्ट है। तो क्या श्याम जो है वो पिकनिक के लिए गए थे। नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट स्किल विच कैन हेल्प अस इन मेनी वेज। वी डू नॉट एंड कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर वर्ड फॉर वर्ड एवरी लेसन दैट यू डिड, इट इज इम्पॉसिबल टू डू सो। नोट्स हेल्प यू टू स्टोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नोट मेकिंग स्किल इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमें बहुत तरह के वेज में हमें बहुत कुछ याद नहीं रहता है। जब हम लोग कुछ पढ़ते हो लिखते हो तो हमें कुछ याद इतना सब नहीं रहता है, एक वर्ड टू वर्ड हमें कुछ याद नहीं रहता है और ये इम्पॉसिबल है। हाँ किसी को याद रह जाता है पर किसी को नहीं। तो क्या है, हमने जो नोट किया हो वो इम्पोर्टेंट है, तो हमें नोट करते रहना चाहिए हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस जो हमें पता ना चले। तो क्या इससे इम्प्रूवमेंट्स होगी इंग्लिश में। व्हाट इज अ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग क्या है। नोट मेकिंग इज अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ द मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग आइडियाज ऑफ अ टेक्स्ट इन अ पॉइंट फॉर्म। You must be careful that the notes you make are easy to understand. The notes you cannot understand yourself after a few months are not good notes.
नोट्स में की क्या होता है कि ब्रीफ में प्रेजेंटेशन दिया होता है, बहुत सारा आइडियाज है, सपोर्टिंग आइडियाज होता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। तो क्या है कि हमें जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हमें इजी रहता है कि हम कैसे इजीली, हमने जो अपने खुद से लिखा हो, नोट्स बनाया हो, तो क्या है हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हमने बनाई ना हो और दो तीन महीने के बाद हम लोग पढ़ना चाहे तो हमें कुछ पता ही ना चले, तो उससे अच्छा है हमें नोट्स बनाना चाहिए। हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स कैसे बनाते हैं, तो रीड द होल पैसेज वंस टू गेट द सेंट्रल आइडिया। पहले तो क्या है, जो पूरा जो पैसेज होता है वो हमें पढ़ना चाहिए आइडिया आने के लिए। रीड द पैसेज अगेंस्ट वंस और ट्वाइस टू अंडरलाइन द मेन आइडियाज। पहले तो एक बार पढ़ो पूरा, फिर और एक बार पढ़ो। क्या है कि एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो और अंडरलाइन करो जो मेन मेन आइडियाज हैं, जो आपको दिमाग में आ रहे हैं पढ़ने के टाइम, उसको पॉइंट करो। सिलेक्ट द पॉइंट्स रिलेटेड टू द मेन आइडियाज, पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करो जो मेन आइडियाज पे आते हैं, रिलेटेड है मेन आइडियाज के। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज एसेंशियल। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज, क्या है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्स्ट, वो जो उसको समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके, वो मस्ट है, उसको समझ में आना चाहिए। नोट्स मस्ट बी ब्रीफ, नोट्स जो है वो ब्रीफ में होनी चाहिए, यानी ब्रीफ यानी थोड़ा डीप, लंबा। नोट्स आर मेड इन द पॉइंट, इन अ पॉइंट फॉर्म, दिस शुड नॉट बी कंप्लीट सेंटेंस। नोट्स जो है पॉइंट्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। द मेन आइडियाज एंड द रिलेटेड आइडियाज आर नंबर्ड एज द मेन पॉइंट एंड सब्जेक्ट सब पॉइंट्स। जो मेन आइडियाज होते हैं और रिलेटेड जो आइडियाज होते हैं वो नंबर होते हैं, जैसे एक दो तीन, जैसे कि ये है एक दो तीन, तो ये क्या है मेन आइडियाज होती है, नंबर्ड आइडियाज होती है। पॉइंट्स क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड व्हेनेवर नेसेसरी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर देयरफॉर डू नॉट यूज एब्रीविएशंस दैट माइट क्रिएटेड कंफ्यूजन्स। रिकॉग्नाइज एब्रीविएशन होना चाहिए जो सिंबल्स है, जो कभी भी नेसेसरी रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल है गवर्नमेंट डॉट, फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर देयर फॉर डू नॉट यूज एब्रीविएशन, बराबर है, दैट मे क्रिएटेड गवर्नमेंट डॉट फॉर गवर्नमेंट, तो ये क्या एब्रीविएशन यूज हुआ है, तो वो होता है क्रिएशन, तब फिर कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्रिएशन रहना चाहिए। पॉइंट्स जो है लोकल लॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज होने चाहिए। ऑर्नामेंटल वर्ड्स एंड फ्रेजेज आर ड्रॉप, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन आर ड्रॉप, अ सुटेबल टाइटल इज गिवन, की टू एब्रीविएशन इज गिवन। पॉइंट्स जो है वो अरेंज होने चाहिए, जैसे कि अभी ये है इन द 19th सेंचुरी, तो इसका एक पॉइंट हुआ, फिर इसका एक पॉइंट हुआ, फिर इसका, वैसे होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऑर्नामेंटल और फ्रेजेस है वो ड्रॉप यानी निकाल दें, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो भी निकाल देने चाहिए। अ सुटेबल टाइटल इज गिवन, एक अच्छा सा एक टाइटल दो आप उसे याद रह सके। की टू एब्रीविएशन इज गिवन, की एब्रीविएशन जो है वो दिया रहता है। फिर आपको ये पैसेज पढ़ना है और आपको खुद से नोट करना है।